बाज़ औक़ात ये होता है कि जिससे हमारा किसी से इख्तलाफ हुआ है, अक़ीदे में, घर के झगड़े में, किसी ज़ाती उसमें, तो हम कमज़ोर होते हैं, मजबूर होते हैं, उसको कुछ कह नहीं सकते। तो फिर हम बाज़ औक़ात अपनी तस्कीन कैसे करते हैं? ख्वाबों में करते हैं। मसलन एक लड़का किसी से शादी करना चाहता है और वो कर नहीं पाता, उसको वो रिश्ता मिल नहीं रहा, तो वो ख्वाब में देखता है कि उसकी शादी उससे हो गई है, उस लड़की से। तो बाज़ ख्वाबों की नौयत बस सिर्फ इतनी होती, इससे ज़्यादा उसकी हकीकत नहीं होती। अच्छा, बाज़ औक़ात जैसे किसी से ज़िद है, अदावत है, दुश्मनी है आपकी, अब आप उसको ख्वाब में बुरा देख रहे हैं, उसकी बुराई देख रहे हैं, तो ये दरअसल क्या है? शैतान का शर है जो आप पे गालिब आ गया है। आप उसकी बुराई चाहते हैं, वैसे कुछ कर नहीं पाते, मजबूर हैं आप, तो आप ख्वाब के ज़रिए वो अपनी तसल्ली कर लेते हैं। ख्वाब इंसानी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हदीस के मुताबिक ख्वाब 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, अपने ही दिल की बात, हदीस और नफ्स, यानी जो बातें अपने दिल में होती हैं, मसलन बुग़्ज़ है, हसद है, किसी के बारे में कीना है, या कोई ख्वाहिशात हैं, किसी से मुलाकात को दिल चाहता है, तो ये सारी जो दिल की बातें होती हैं वो रात को ख्वाब में पूरी हो जाती हैं, नज़र आ जाती। और आज की नफ्सियात में भी इसको ऐसे ही इंटरप्रेट किया गया है कि बाज़ ख्वाब इंसान की अपनी सोच को रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई हकीकत नहीं होती। आप ख्वाब में ही सफ़र शुरू कर देते हैं और सोने में भी एक तरह से जाग रहे होते हैं। दूसरी किस्म की ख्वाब, शैतान का डरावा, शैतान के वसवसे। यहाँ से शैतान की एफिशिएंसी भी मालूम होती है। न सिर्फ ये कि वो जागते में आपको मुख्तलिफ बुरे ख्यालात सुझाता है, बल्कि सोते वक्त भी नहीं पीछा छोड़ता। और ख़ुसूसन अगर इंसान आयतुल कुर्सी वग़ैरह ना पढ़ कर सोए तो शैतान पास ही मंडलाता रहता है और कोई मौका जाने नहीं देता, हत्ता कि ख्वाब में भी इंसान को डराता है। अच्छा, उस डरने में आप देखें कि मुख्तलिफ़ किस्म के डर होते हैं। कोई मार रहा है आपको, बाज़ औक़ात आप रो रहे होते हैं ख्वाब में, बाज़ औक़ात आपके ऊपर एक बोझ महसूस होता है कि आपका सांस नहीं आ रहा होता। ये सब तसर्रुफ़ात शैतानी होते हैं। बाज़ औक़ात आप बहुत गंदा ख्वाब कोई देखते हैं, आप कहते हैं मैंने बड़ा गंदा ख्वाब देखा, तो ये भी दरअसल क्या है? शैतान। और तीसरी चीज़, खुदा की बशारत, जैसे ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब में थी। ऐसे ख्वाब की अलामत क्या होती है? कि वो कोई अपनी सोच नहीं होती, ना कभी सोचा होता है, कभी दिल में ख्याल ही नहीं उस बात का गुजरा होता। अब एक आम इंसान के दिल में कैसे ये ख्याल आ सकता है कि सूरज मेरे सामने झुका हुआ है, ये चाँद झुका, और 11 सितारे, 10 भी नहीं, 11 हैं। तो ये एक मीनिंगफुल ख्वाब है। और ये सच्चे ख्वाब बाज़ औक़ात फ्यूचर के बारे में कुछ इत्तला होते हैं, बाज़ औक़ात इंसान को मिलने वाली कुछ खुशखबरी होते हैं। बाज़ औक़ात आप देखते हैं ना कि एक चीज़ आप देखते हैं और वो ही हो जाती, और जब हो जाती तो आप सोचते ओह ये तो मैंने कहीं पहले भी देखी थी, फिर सोचते कहाँ देखी थी, तो याद आता है तो ख्वाब में देखी थी, लेकिन आपको याद नहीं होता, जब वो हो जाता है फिर याद आता है। किसी भी ख्वाब के सच्चा होने की आप कोई दलील नहीं रखते, एज सच वाज़ेह बात ये नहीं कह सकते कि मैंने जो ख्वाब देखा वो बिल्कुल सच हो जाएगा, ये आप दावा नहीं कर सकते कि मैंने जो देखा है वो बिल्कुल सच देखा। हो सकता है आपको शैतान ने डराया हो सकता है कि आपके अपने दिल की सोचें और ख्यालात उसमें आ रहे हों। और ख़ुसूसन उस वक्त जब 2 मुतज़ाद आपको ख़बरें मिलें, मसलन एक शख्स आपके पास आता है, वो कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा ख्वाब देखा, दूसरा आता है कहता है कि मैंने आपको अच्छे हाल में नहीं देखा। अब ये फ़र्क किस चीज़ का हो गया? उसके अपने गुमान का फ़र्क है। एक आपके बारे में गुमान अच्छा रखता है, वो आपको अच्छा देखना चाहता है, लिहाजा वो आपको अच्छा देख रहा है, और दूसरा आपसे हसद रखता है और वो आपको हर कीमत पे ख़त्म होते देखना चाहता है। वो वैसे तो मार नहीं सकता आपको, लिहाजा ख्वाब में मार लेता है और ख्वाब में आपका हाल बुरा देख लेता है। तो वो ख्वाब दरअसल क्या होता है, उसकी अपने नफ्स की बात होती है। हर आलिम ख्वाब की ताबीर नहीं जानता और हर शख्स उसको सही तौर पर इंटरप्रेट नहीं कर सकता, इसलिए हर एक को मत सुनाने बैठ जाएं। सबसे बेहतरीन ताबीर वही होती है जो इंसान खुद अपने ख्वाब की कर सकता है। बलिल इंसान आला नफ्सिही बसीरा, कि इंसान अपने आप से खुद खूब आगाह है कि ये ख्वाब शैतान का वसवसा था या ये ख्वाब मेरे दिल की मर्जी कोई पूरी नज़र आती है इसमें, या बिल्कुल ही कोई अनयूजुअल चीज़ है। अमूमन सच्चा ख्वाब की अलामत क्या होती है कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ देखना जो आपके वहमो गुमान में ही ना हो, और जो बातें वहमो गुमान में है वो फिर गुमान आपका वहाँ हकीकत बन जाएगा। इसमें जो बेहतरीन किताब है वो इब्न सीरीन की है, इब्न सीरीन की ताबीर और रुया। अगर कोई ख्वाब बुरा हो तो क्या उससे भी हम मुस्तकबिल के किसी ख़तरे को भांप सकते हैं? जी हाँ, कोई वार्निंग हो सकती है उस ख्वाब में, वो आप खुद ही बेहतर जानते हैं।